अमेरिकी युद्धपोत पर हमला, ईरान से दागी मिसाइलें। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच लगातार विवाद गहराता जा रहा है और ये विवाद और गहरा हो गया था जब 3 जनवरी 2020 को बगदाद के एक एयरपोर्ट पर एक ड्रोन से हमला कर अमेरिका ने ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया था। अपने जनरल की मौत के बाद ईरान ने कहा था कि हम अमेरिका को सबक जरूर सिखाएंगे और उसके बाद ईरान जोर शोर के साथ अमेरिका के खिलाफ अपनी शक्ति को बढ़ाने में जुट गया है। इस बात का डर लगातार बना हुआ था कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है और इसका नमूना उस वक्त देखने को मिला है जब हिंद महासागर में खड़े अमेरिकी परमाणु युद्धपोत के पास ईरान ने अपना मिसाइल दाग दिया। अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच ईरान ने एक साथ दर्जनों मिसाइलें दागकर अपने सबसे बड़े दुश्मन को कड़ा संदेश दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने शुक्रवार को ग्रेट प्रॉफिट 15 युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस दौरान रेगिस्तानी इलाके से मोबाइल लॉन्चर के जरिए दर्जनों मिसाइलों को एक साथ दागा गया। युद्धाभ्यास के दौरान ईरान ने दुश्मन पर बम बरसाने वाले आत्मघाती ड्रोन का भी दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है। ईरान ने यह परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस निमित्स इन दिनों हिंद महासागर में खड़ा है। ईरानी मिसाइलों में एक मिसाइल अमेरिकी विमानवाहक पोत से मात्र 100 मील की दूरी पर गिरी। अमेरिकन फॉक्स टीवी के मुताबिक एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी युद्धपोत से महज 100 मील की दूरी पर गिरा। यही नहीं, ईरान ने जहां अपना मिसाइल गिराया है उस जगह से ठीक 20 किलोमीटर दूर एक व्यापारिक जहाज भी गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि ईरान के इस मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिकी विमानवाहक परमाणु युद्धपोत से महज 100 मील की दूरी पर ईरान का मिसाइल गिरने के बाद अमेरिका गर्म जरूर है, मगर उसके अधिकारी कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने अपने बयान में कहा है कि ईरान अक्सर हिंद महासागर में मिसाइल छोड़ता रहता है, लिहाजा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि मिसाइल गिरने के बाद उसका मलबा समुद्र में दूर दूर तक फैल गया। इस मलबे से भले ही अमेरिकन युद्धपोत को कुछ नहीं होता, मगर व्यापारिक जहाज को भारी नुकसान हो सकता था। पहले भी ईरान उठा चुका है ऐसे कदम। अमेरिका के साथ चल रही दुश्मनी और तनातनी के बीच ईरान के इस कदम ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब ईरान ने ये कदम उठाया हो। साल 2019 में इस तरह के ड्रोन के जरिए ईरान ने सऊदी अरब के तेल ठिकाने पर हमला किया था। सऊदी अरब और अमेरिका दोनों ने ही मिसाइल हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्रवार को हुए अभ्यास के दौरान सऊदी हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन की तरह से ईरानी ड्रोन ने कई ठिकानों को तबाह किया। वहीं ईरानी समाचार एजेंसी ने कहा है कि इस युद्धाभ्यास में ड्रोन हमले के बाद नई पीढ़ी की सतह से सतह तक मार करने वाली किलर मिसाइलों का परीक्षण किया गया। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि ये मिसाइलें अलग होने वाले वॉरहेड से लैस थी और वातावरण के बाहर से भी नियंत्रण की जा सकती हैं। परीक्षण के दौरान ईरानी ड्रोनों ने काल्पनिक शत्रुओं के सैन्य ठिकाने को मटिया मेट कर दिया। डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और ईरान विरोधी अन्य देश अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ईरान ने ड्रिल के दौरान इस सिस्टम को तबाह करने का भी परीक्षण किया। इस ड्रिल के दौरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हुसैन सलामी और एयरफोर्स के चीफ भी मौजूद थे। सलामी ने कहा कि इस ड्रिल का मकसद ईरान और इस्लाम के दुश्मनों को यह संदेश देना है कि हम अपनी संप्रभुता की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान रेवोल्यूशनरी गार्ड की नई ताकत और क्षमता को दर्शाता है।